नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं लाल मोहम्मद शेख पब्लिक चैनल से। दोस्तों जैसे कि जानते हो कि कल से जो है सीआरपीएफ जो है मुमरा कौसा में आ रही है, और सीआरपीएफ क्योंकि पुलिस से जो है यहाँ पर पुलिस अभी तक बहुत कंट्रोल करी है, लेकिन मुमरा की जो पब्लिक है वो मानने के लिए तैयार नहीं है और वो बिल्कुल भी ये चीज़ समझने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस बार बार कहती है अपने घरों में बैठो, ये बीमारी से बचो, लेकिन फिर भी पुलिस का कोई भी बात सुनने के लिए राजी नहीं है। इसीलिए यहाँ के जो कमिश्नर है उन्होंने यह फैसला किया है कि कल सीआरपीएफ आएगी और सीआरपीएफ जो है मुमरा को हैंडल करेगी। जैसे देख सकते हो कि पुलिस की गाड़ी भी यहाँ पर खड़ी है, पुलिस भी जो है इतने भारे बंदोबस्त में जो है ये मतलब यहाँ पर लगी है। ये नशेमन कॉलोनी है, नशेमन कॉलोनी का जो पहले पेट्रोल पंप हुआ करता था पुराना, वहाँ पर जो है नाकाबंदी लगी है। और यहाँ पर जो है आइए देखिए कि सीनियर पीआई जो है यहाँ खुद जो 24-24 घंटा ड्यूटी कर रहे हैं, सुबह 6 बजे से लेके और रात को 10-11-12 बजे तक, वो खुद क्या कह रहे हैं अपने मुँह से, लोगों को क्या संदेश दे रहे हैं और कैसे अपील कर रहे हैं। आइए देखिए कि उनके जबानी सुनिए कि क्या कह रहे हैं वो। मैं लाल मोहम्मद शेख फिर एक नई न्यूज़ के साथ हाजिर हूँ, जब तक के लिए खुदा। वो कंट्रोल कर रहे हैं हम लोग। सर कोई एक स्पेसिफिक टाइम है कि आदमी निकल कर जो है वो तमाम काम कर ले? सवेरे 8 से 11 बजे तक आपको सब्जी मार्केट के लिए दिया हुआ है, वो आप सवेरे 8 से 11 आप सब कर सकते हैं। मार्केट 5 जगह डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, मार्केट की जगह भी बहुत बढ़ा दी है। आप कभी भी सवेरे 8 से 11 बजे तक ले सकते हैं, आपको कोई कारण नहीं होते हुए भी आप बाहर घूमेंगे तो ये इतना गवर्नमेंट कर रहा है, सब पुलिस कर रही है। पुलिस रोड पे खड़ी है 15-15, 16-16 घंटे काम कर रही है, वो उसका कोई मतलब ही नहीं होता। अच्छा सर, ये एक चीज़ और कि जैसे कि ये आम तौर पर किसकी किन किन लोगों को छूट है, जैसे अगर कोई बीमार है? इमरजेंसी वाले को सब छूट है, इमरजेंसी सर्विस देने वाले को छूट है, जो जो गवर्नमेंट एजेंसी है, जो टेलीफोन कर्मचारी है, बाकी सब जो जो निडी लोग है उनको हम लोग परमिशन दे रहे हैं। लेकिन बिना मतलब का घूमना कोई कारण नहीं होते हुए, साहब सब्जी लाने को गया, साहब दूध लाने को गया, साहब हॉस्पिटल मेडिसिन यहाँ एक जगह मिलती तो दूसरी जगह जाने का, गाड़ी पे चक्कर मारने के लिए निकलना, या ऐसे काम नहीं, ये तो नहीं होना चाहिए। अच्छा, जो बेचारे दिहाड़ी मजदूर हैं या कोई ऐसे हैं जो डेली का काम करते हैं, उनके लिए कोई इस तरह की आपका प्रबंध है? अपने यहाँ नहीं, अपने यहाँ मुमरा में कोई प्रबंध नहीं है सर उनके लिए।